जैसा आप सभी अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा जो पुराने नोट हैं बंद किए गए और उसके बाद से एक फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप की सिचुएशन उत्पन्न हुई है। इसको दूर करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और डिजिटल पेमेंट्स के जो हमारे बोर्ड हैं वो 5 मेथड बताए हैं जो सीईओ नीति आयोग का पत्र आया है उसमें बताया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, एक USSD, एक आधार एनेबल्ड पेमेंट्स, फिर वॉलेट्स और रुपए अपने डेबिट और क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड्स, ये 5 ऐसे माध्यम हैं जिनका प्रयोग करके हम इस जो क्राइसिस है इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसमें आप सबका जितने भी बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, सबसे आपसे यही अपेक्षा है, अनुरोध है कि अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दें। जो आपको सूटेबल लगे 5 मेथड, 5 में से जो आपको अच्छा लगे रुचि का उसको आप प्रमोट करें, आई से एक्टिविटीज कराएं, अपने यहाँ कोई सेमिनार या कहीं पे मॉडल करवा दिए, मैथ्स करवा दिए, लोगों को बता दें कि क्या है कैसे, कुछ वित्तीय साक्षरता में भी आप इसको कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आधार एनेबल पेमेंट्स काफी लाभदायक सिद्ध होगा, बहुत इजी होगा, आधार सभी का है ऑलमोस्ट रूल एरिया में, तो उससे जब एनेबल कर देंगे पेमेंट्स तो डायरेक्टली हो जाएगा कुछ भी उसे ना, तो कैश की आवश्यकता होगी ना किसी चीज़ की। दूसरा, रुपये कार्ड आजकल बहुत भारी मात्रा में लोगों के पास उपलब्ध है तो उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा है वॉलेट्स, SBI बड़ी है जैसे PNB का आ गया है, वो तो फिर भी बहुत ही मतलब एक अपर क्लास अपर क्लास के लिए है। ये दोनों आप रूरल एरियाज में यूज कर सकते हैं, आधार लेवल पेमेंट्स और रुपए हो गए, दोनों इजी भी रहेंगे और जो हमारी पॉपुलेशन को देखते हो उनका जो नॉलेज लेवल है उसके अनुसार ये ठीक है। तो इसके लिए नीति आयोग ने हम लोगों को कहा है कि आप इसको शुरू कराएं, आप स्वयं भी इसको यूज करें और लोगों में भी इसको इस मैसेज को स्प्रेड करें अवेयरनेस को। ये बहुत ही आसान तरीका है और लोग तभी कन्विंस हो पाएंगे जब उन्हें दिखाएंगे।